परमेश्वरम। This call is now being recorded. तत्र भवतां समेषां कक्षायाम् अस्यां स्वागतं वर्तते। इदानीं यावत् वर्णानाम् उपदेशस्तावत् तदुत्तरकाला इति संज्ञा इति संज्ञोत्तरकाला प्रत्याहार संज्ञा और प्रत्याहारोत्तर काला सवर्ण संज्ञा इति पंचधा महावाक्यम खलु वर्तते। तम पतंजलिम महामुनिम एव अनुसृत्य श्रीमद् भट्टो दीक्षित महोदयः सिद्धांत कौमुद्याः प्रणयनं करोति। मुनित्रयम् नमस्कृत्य इति ग्रंथकारस्य आदौ एव प्रतिज्ञा वर्तते। अतः भगवन्तं पतञ्जलिं भगवन्तं पाणिनिं अथ च गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी। अतः इदानीं ध्वनि आगच्छति। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना आप लोगों को? बाधा जायते जी श्रूयते 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 अस्तु श्रूयते श्रूयते। हाँ, तो हम चलते हैं अब सवर्ण संज्ञा के पक्ष की ओर। वर्णों का उपदेश, इति संज्ञा, प्रत्याहार, उसके बाद वर्णों का भेद। क्योंकि वर्णों के बारे में ही पूरा प्रारंभ वर्णों से ही किया जा रहा है, वर्णों का ही उपदेश किया गया, वर्णों की संज्ञा की, वर्णों से प्रत्याहार बनाए गए और वर्णों के भेद बताए गए कि कौन से वर्ण कितने प्रकार के हैं, उनके प्रकार से हमने समझाए। अब हम वर्णों की सवर्ण संज्ञा आगे बढ़ते हैं। तो एकम सूत्रम अग्रे वर्तते तुल्यस्य प्रयत्नम तुल्यस्य प्रयत्नम इति सूत्रम पदद्वयात्मकम वर्तते। तुल्यस्य प्रयत्नम इति एकम पदम, सवर्णम इति द्वितीयं पदम्। अत्र उद्देश्य विधेय भावेन यदा विचारः क्रियते तर्हि तुल्यस्य प्रयत्नम उद्दिश्य सवर्ण संज्ञायाः विधानं क्रियते। किं सवर्णम्? तुल्यस्य प्रयत्नम्। तुल्यस्य प्रयत्नम् यद् भवति तत् सवर्णम् भवति, सवर्ण संज्ञम् भवति। किं नाम तुल्यस्य प्रयत्नम्? वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम्। देखिए, पूरे वाक्यार्थ का बोध करने के लिए वाक्यम नाम सूत्रम, पूरा सूत्रार्थ का बोध करने के लिए सूत्र घटकी भूत, सूत्रावयवी भूत जो पद हैं उनका अर्थबोध होना। यह शैली हलंत्यम सूत्र से चली आ रही है, इसी के कारण हलंत्यम सूत्र की आवृत्ति की गई थी। परंतु यहां पर तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, आप देखिए तुल्य शब्द जो है समान का, तुल्य माने समानम, एकम अमरकोशकार के अनुसार, द्वितीयम अग्रे पदम वर्तते आस्य। तो आस्यम नाम किम, प्रयत्नम नाम किम? तरी आस्यम आस्यम इत्यनेन मुखम इत्युच्यते। आस्यम कहते हैं मुख को। तो सारे वर्ण मुख से उच्चरित होते हैं, तो सभी वर्णों का स्थान तुल्य हो गया, एक हो ही गया।
सभी वर्ण मुख से उच्चरित होते हैं, अतः तुल्य स्थान, तुल्य माने समान, समान स्थान वाले एक ही मुख से निकलने वाले सभी वर्ण हैं, तो अलग से सवर्ण संज्ञा करने की आवश्यकता क्या है? इसलिए यहां पर आश्यम शब्द का अर्थ मुख नहीं है, हमें यहां आश्यम शब्द का अर्थ करना होगा आस्य भवम आस्यम। आस्य माने मुख, और मुख में हो, मुख में स्थित, ओष्ठ, तालु, मूर्धा, ये जो आस्य के अंदर विराजमान, क्योंकि भाष्यकार ने कहा है ओष्ठा प्रवृत्ति आस्यम, ओष्ठ से लेकर के काकलक पर्यंत आस्यम कहलाता है, ये भाष्यकार की परिभाषा है। आस्यम शब्द से इस प्रकार से परिभाषा देते हैं कि के काकलक पर्यंत जो स्थान विशेष है, तालु है, जुबानूल है, पद्मानी है, कंठ है, दंत है, ओष्ठ है, इनसे युक्त जो होता है वह आस्य कहलाता है। तो यह अर्थ कैसे निकलेगा? तो यह अर्थ हम आस्य भवम आस्यम, आस्य शब्द से शरीरावयवात् यत्, शरीर का अवयव होने के कारण हम यहां यत् प्रत्यय करेंगे, और यकारादि प्रत्यय पर रहती है, इचिभम से भ संज्ञा हो जाएगी, इससे च से अकालोप हो जाएगा, और उसके बाद आस्य य बन जाएगा, उसके बाद एक य का लोप हो जाएगा, लोपो व्योर्वल। तो इस तरह से आस्यम का अर्थ हुआ आस्य भवम स्थान विशेषम आश्रित्य, जो हमारे मुख के अंदर जो स्थान है वह स्थान ही वास्तव में चारण स्थान कहलाते हैं, वहीं से तत्त्व वर्ण जो चरित होते हैं। और प्रयत्नम का अर्थ आप जानते हैं, प्रकृष्ट यत्न प्रयत्न गुरुजी, प्रकृष्ट प्र उपसर्ग यत्न दो प्रकार के होते हैं, इसमें हम गुरुजी यत्न लेंगे। हाँ आप बोलिए गुरुजी। वो जो लोपो व्योर वाली जो सूत्र है वो वल प्रत्याहार मांगता है, तो जो आगे तो या है और वो या वल में नहीं आता है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए उससे लोप मत करिए, लोपो व्योर वल से लोप मत करिए, वहां एक और सूत्र है लोप करने वाला, हलो यमाम यमिनोपः या झरो झरि सवर्णे, झर प्रत्याहार में भी नहीं आता है झरोझरि सवर्णे, हलो यमाम यमी लोपः से हो सकता है गुरुजी। हलो यमाम यमी लोपः से विकल्प से होगा जी, तो दो रूप बनेंगे, हलो यमाम यमी लोपः से विकल्प से लोप होगा तो दो रूप बनेंगे, आस्यम आस्यम। तो कोई बात नहीं है, आस्यम तो बनी गया ना। हलो जमांग जमी लोपः, हलो जमांग जमी लोपः, इतने ना जकार से लोपः, हलो जमांग जमी लोपः, जलो जली इति सूत्रम वर्तते हल परस्य जर तदपि विकल्पेन झरो झर सप्तति भी, हलो जमांग जमी लोपः ओ अष्टाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सूत्रम अनेन लोपो भवति। अस्तु अस्तु अस्तु, जात आस्यम इति शब्दोत्पत्तिर जाता शब्द से हमें मालूम पड़ा कि आस्य माने मुख में विशेष, और प्रयत्न शब्द से हम प्रकृष्ट यत्न प्रयत्न प्रशब्द आभ्यंतर प्रयत्न लिया जाता है, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं अभी आगे बतलाया जाएगा। तो प्रकृष्ट यत्न प्रयत्न प्रशब्द से यहाँ पर हम आभ्यंतर प्रयत्न लिया जाएगा, तो जिन वर्णों के स्थान
और आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य हो उनकी श्रवण संज्ञा होती है, ऐसा अर्थ निकालते हैं। देखिए अब यहां पर मैं आपको चर्चा कर रहा था कि वाक्यार्थक ज्ञाने पदार्थक ज्ञानम कारणम, तो अभी वर्णों के स्थान क्या है, प्रयत्न क्या है, इनका अभी बोध नहीं किया गया है, और इन स्थान और प्रयत्न के आधार पर श्रवण संज्ञा का हम बोध कराने जा रहे हैं, तो यहां पर भी अन्योन्याश्रय जैसी स्थिति आती है कि पहले हमें वर्णों के स्थान के बारे में ज्ञान होना चाहिए, वर्णों के प्रयत्न के बारे में ज्ञान होना चाहिए। श्रवण संज्ञा करने से पहले स्थान और प्रयत्न का ज्ञान यदि नहीं तो श्रवण संज्ञा होगी कैसे? जिन वर्णों के स्थान प्रयत्न एक हो तुल्य हो उनकी श्रवण संज्ञा होती है। स्थान कौन से हैं, प्रयत्न कौन से हैं, उनके बारे में बताना चाहिए, उसके बाद हम श्रवण संज्ञा यह सूत्र हमें लाना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ अन्योन्याश्रयत्व नाम का दोष जो जैसे अलंकम में आ रहा उसी प्रकार से यहाँ पर भी आने की संभावना बनती है। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि प्रकरण को पढ़ने की जो प्रक्रिया है वह पाणिनी शिक्षा, महर्षि पाणिनी के द्वारा, पाणिनी शिष्यों के द्वारा बनाई गई जो पाणिनी शिक्षा है, उस पाणिनी शिक्षा में वर्णों के उच्चारण स्थान प्रयत्न इत्यादियों की चर्चा आती है। तो उस पाणिनी शिक्षा के बल पर विद्यार्थी पहले से ही स्थान और प्रयत्न का ज्ञान रखता है, ऐसा श्रीमद् भट्टोजी दीक्षित जी यहां पर, अतः सबसे पहले श्रवण संज्ञा से पहले स्थान और प्रयत्नों का उल्लेख नहीं करते हैं, सीधे श्रवण संज्ञा का स्थान और प्रयत्नों के आधार पर होने वाली श्रवण संज्ञा का सीधा उसका स्वरूप सामने लाते हैं। तो पाणिनी व्याकरण पढ़ने की शैली उस समय ये रही होगी, पाणिनी शिक्षा को पहले पढ़ाया जाता था, तो उस पाणिनी शिक्षा में सामान्य ज्ञान, उच्चारण का उच्चारण, वर्णों का भेद, वर्णों का स्वरूप, इत्संज्ञा, प्रत्याहार, ये सब पाणिनी शिक्षा के आधार पर पहले विद्यार्थी को ऐसे ही सामान्यतया उपदेश कर देते थे। उसके बाद फिर अष्टाध्यायी का बोध हुआ करता था, अष्टाध्यायी के माध्यम से व्याकरण पढ़ाया करते थे। पर जब से व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की संरचना हुई है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के आधार पर हम चलने लगे, और हम आपको, हमें हमारे गुरुजनों ने बतलाया, तो इसलिए का जो अन्योन्याश्रयात्मक जो स्थिति है उसको हम मान सकते हैं, क्योंकि इसका बोध तो पहले ही हो चुका है, और यहाँ पर भी दीक्षित जी स्वयं शिक्षा वचन ला करके रखेंगे, आगे आकर के वर्णों की स्थानों के बारे में बतलाएंगे। तो ये बात यहाँ विशेष ध्यान देने लायक थी। तो आस्यम च प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ और तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यजोः यद्वा येषां विधवा यस्य वर्ण जालस्य तत्, क्योंकि जालम नपुंसक लिंग है, अन्य पदार्थ हमको नपुंसक लिंग लेना है, अतः तुल्यास्य प्रयत्नम बनाना है। तो इस तरह से हम विग्रह करेंगे, तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ ययोः वर्णयोः यद्वा येषां वर्णानां यद्वा यस्य वर्ण जालस्य तत् वर्णजालम तुल्यास्य प्रयत्नम श्रवण संयम भवति। इस प्रकार से हमें समझना होगा। अब तुल्यास्य प्रयत्नम श्रवणम, इस सूत्र में श्रवण संज्ञा की बात करें तो जिनका स्थान और प्रयत्न जिन वर्णों का है उनकी श्रवण संज्ञा होती है, ऐसा यहां पर यदि आप पदकृति करने लगे
मतलब जिनका उन्हीं की श्रवण संज्ञा हो जाए, बस ऐसा ही अर्थ कर लो। तुल्य प्रयत्नम स्मरणम आश्य ग्रहण इस सूत्र में क्यों कर रहे हैं? तो आगे आकर के कई प्रयोगों की सिद्धि नहीं होगी। जैसे तर्पता प्रयोग बनता है, तो उस तर्पता प्रयोग में झरोझर सवर्ण सूत्र के द्वारा लोप हो जाने के कारण जिन वर्णों का प्रयत्न एक होगा, तो प्रयत्न एक होने पर पांचों वर्ग स्पृष्ट प्रयत्न वाले हैं, तो आपस में सवर्ण संज्ञक हो जाएंगे। पांचों वर्णों के अंतर्गत आने वाले सारे वर्ण स्पृष्ट संज्ञक हो, स्पृष्ट एक ही स्पृष्ट प्रयत्न वाले होने के कारण उनकी श्रवण संज्ञा होने लगेगी। अतः केवल प्रयत्न ही एक हो यह अर्थ अभिष्ट नहीं है। प्रयत्न के साथ साथ उन दोनों या उन सब वर्णों का स्थान भी साथ में एक, स्थान और प्रयत्न दोनों होना चाहिए। आप एक केवल स्थान प्रयत्न स्थान ही एक हो, प्रयत्न एकता है, तो फिर वही दोष आएगा। वाक् चोतकार का प्रयोग आता है, वहां पर स्थान पर प्रयत्न भेदात वहां श्रवण संज्ञा, इसलिए झरोझर श्रवण सूत्र प्रवृत्त नहीं होता और वो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि केवल तुल्य हो वही श्रवण संज्ञक हो ऐसा अर्थ ही नहीं है, केवल प्रयत्न तुल्य हो वही श्रवण संज्ञक है ऐसा अर्थ ही नहीं है। अभी तो इस सूत्र का अर्थ ही होगा कि स्थान और प्रयत्न दोनों ही तुल्य होने चाहिए, दोनों ही एक होने चाहिए, तभी श्रवण संज्ञा होगी, अन्यथा श्रवण संज्ञा नहीं होगी। श्रवण संज्ञा का प्रयोजन आगे अकस्मरण दीर्घ सूत्र आ रहा है, या अनंत श्रवण से चाप्रत्यय सूत्र आगे आने वाला है, जो श्रवण का ग्राहक होता है। जब श्रवण का पता ही नहीं होगा तो श्रवण का ग्राहक कैसे होगा, श्रवण का ग्रहण कैसे कराएगा? अतः इस श्रवण संज्ञा के क्षेत्र बहुत सारे आगे झरोझर सवर्णे अकाश सवर्णे दीर्घ अनुद श्रवण से चाप्रत्यय। तो इस तरह से आगे इस श्रवण संज्ञा के क्षेत्र जहां पर श्रवण संज्ञा का उपयोग होने जा रहा है और इन श्रवण संज्ञा के आधार शब्दों की संरचना हमें बनानी है। अतः श्रवण संज्ञा के बारे में एकदम सुस्पष्ट चाहिए। दूसरी बात यह है, ये तो मालूम पड़ गया कि जिनकी स्थान और प्रयत्न एक हो उनकी श्रवण, पर किस वर्ण का कौन सा स्थान है यह हमें नहीं। तो इसके बारे में श्रीमद् भट्टोजी दीक्षित जी आगे लिखते हैं, अको विसर्जनीया नाम कंठा, ये सीधा शिक्षा का वचन है, उसी को पाणिनी शिक्षा में आप पढ़ेंगे तो यथावत ऐसे वचन मिल जाते हैं। थोड़ा सा अंतर है, नहीं प्रायः यही वर्ण मिलते हैं। अ का मतलब यहाँ अकार, जिसके 18 भेद किए गए थे, और कु का मतलब यहाँ कवर्ग। आप ये कह सकते हैं कि अभी सवर्ण का बोधक सूत्र तो आया नहीं, सवर्ण का ग्राहक सूत्र तो आया नहीं, तो कु से कवर्ग अर्थ कैसे लेंगे? क्योंकि कु ये कु चू टू तू कु ये उदित हैं, और उदित अपने सवर्ण का ग्राहक होता है, ऐसा अर्थ बताने वाला सूत्र जो है वह तो अभी आया नहीं, वह सूत्र आएगा अर्ध श्रवण से चाप्रत्यय बाद में। तो उससे पहले कु का अर्थ कवर कैसे कर दिया आपने, कु से कवर पांच वर्ण कैसे ले लिए? इस तरह से यहां पर भी अन्योन्याश्रय दोष हो रहा है कि अभी अर्ध श्रवण से चाप्रत्यय सूत्र जो कु से कवर का बोध कराने वाला है, कु से कवर का ग्रहण कराने वाला है, वह तो अभी आया ही नहीं, अभी तो केवल श्रवण संज्ञा की ही बात हुई है। तो कु का अर्थ यहां है। तो यहां पर मैंने आपको बताया ना, सब आश्रित हैं। पाणिनी शिक्षा का हुआ करता था, पहले पाणिनी शिक्षा पढ़ाई जाती थी, उसके बाद धीरे धीरे
विद्यार्थियों को सामान्यतया ज्ञान करा दिया जाता था, फिर बाद में उनको पढ़ाया जाता था, ये क्रम था। तो इसलिए उनको का अनुभव नहीं हुआ, नहीं तो आप कितने सूत्रों की आवृत्ति करोगे। हलंत्यम सूत्र पर जो जोर अन्योन्याश्रय दोष करने के लिए, वह केवल एक उपलक्षण मात्र था, वह केवल प्रदर्शन मात्र था, नहीं तो हलंत्यम सूत्र की आवृत्ति तो कहीं होती नहीं, कोई आवश्यकता भी नहीं उसकी। और जो अन्योन्याश्रय दोष है वह तो सर्वत्र है, जहां भी आप चले जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे, वहीं अन्योन्याश्रय दोष आ जाएगा। अतः वह तो केवल एक आपको निदर्शन मात्र बतलाया था। तो कहने का मतलब यह आया कि अको विसर्जनीया नाम कंठः, अ माने अकार, कु माने कवर्ग, ख माने हकार, और विसर्जनीय, विसर्जनीय शब्द जो है विसर्ग का ही पर्यायवाची है। अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च इति अकु विसर्जनीयाः तेषां अकु विसर्जनीयानां वर्णानां कंठः इत्येवं रीत्या। अ से यहां 18 प्रकार का आकार लिया जाएगा, 18 प्रकार का संपूर्ण का बोध यद्यपि प्रत्यय से होने वाला है, पर भावी संज्ञा आश्रित्य पहले से ही जो हमने 18 भेद बतलाए हैं उन भेदों को हमें तो 18 प्रकार का अ कु क ख ग घ ग पांचों वर्ण आएंगे। और विसर्जनीय, विसर्जनीय शब्द जो है विसर्ग का ही पर्याय, विसर्जनीय का मतलब विसर्ग। तो इस तरह से इन वर्ण यहां पर कंठ स्थान बता दिया गया। अब आगे चलते हैं इच्छुषाणाम तालु। इच्छुषाणाम तालु में भी इश्च चुश्च यश्च सश्च इति इच्छुषा तेषां इच्छुषाणाम, यहां पर भी ई से 18 प्रकार का ई, चु माने चवर्ग, छ छ झ झ य और श तालविषय, इसीलिए इसको तालविषय बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है। तो इन वर्णों का तालु स्थान होगा। तालु हमारे जिह्वा के ऊपर ऊपरी वाला जो भाग है, जहां पर जाकर के जिह्वा टकराती है, उसी को हम तालु कहते हैं। तालु काकुदम तालु अस्मिन् उद्यते इति काकुदम, ऐसा करके उसकी व्याख्या आगे महाभाष्य आदि ग्रंथों में आप पढ़ेंगे। तालु, तो तालु स्थान इचुषाणाम तालु। ऐसे ही ऋतुषाणाम मूर्धा च तुश्च रश्च सच हर प्रकार का री, री का यहाँ आ, इसलिए जब विग्रह करने जाएंगे तो आच तुश्च रश्च सश्च इति ऋतुरसा तेषां ऋतुषाणां मूर्धा, इसका मूर्धा स्थान बतला दिया। ऐसे ही आगे वचन आ रहा है उपूपद्मानियानाम ओष्ठौ। उपूपद्मानियानाम ओष्ठौ का मतलब है उ माने उकार, उ माने पवर्ग और उपद्मानीय, ये उपद्मानीय और जिह्वामूल अयोगवाह ये शब्दों की हम निष्पत्ति आगे आने वाला है प्रकरण, तो हम उस समय करेंगे। अभी आप इतना ही समझिए कि उपद्मानीय नाम का कोई स्थान होता है, तो उपूपद्मानीया नाम उच्च पुश्च उपद्मानीयश्च इति उच्चारणम स्थानम किमस्ति ओष्ठा।
उपपद्मानिया नाम ओष्ठौ, ओष्ठौ में द्विवचन है क्योंकि दोनों वर्णों दोनों ही पर और नीचे दोनों प्रकार के ओष्ठ होते हैं, अतः यहाँ पर आगे है यमगण नाम नासिका च म ङ ण और न, यहाँ च म च ङ च ण च न च यमगणना तेषां यमगणानां नासिका और च, च का मतलब है और, माने जिन जिन वर्गों में ये पांचों अक्षर आते हैं वह भी लिए जाएंगे। तो यहाँ के दो स्थान हो गए, यहाँ जो है चवर्ग में आता है तो चवर्ग में आने के कारण इसका तालु स्थान भी है और नासिका भी है, म का पवर्ग में आने के कारण ओष्ठ स्थान है और नासिका भी है, ङ ङ कवर्ग का पंचम अक्षर है तो कंठ स्थान भी है और नासिका भी है, ण है ण जो है टवर्ग में आता है तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा और नासिका, और न तवर्ग में आता है अतः तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए न का स्थान दंत और नासिका भी है। इस तरह से कुंडली पंडित जी एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है पंडित जी करू, एक जिज्ञासा है मेरा कहना है, मान लीजिए जो अकू हो विसर्जनिया कंठ है उसमें तो कु का तो पहले है ना, लेकिन यहाँ मान लीजिए यहाँ ओ का पहले क्यों नहीं, यहाँ यो का क्यों पहले बोला, यो म ओ ननम कहा से बोला, क्यों नहीं मान लीजिए ओ को क्यों पहले क्यों नहीं बोला? ये क्रम सूत्र के अनुसार दे दिया इन्होंने, सूत्र जो है सूत्र है तो सूत्र में तो ये तो उसी को उठा करके रख दिया। देखिए वही मैं कह रहा हूं आपको कि कु का अर्थ कवर कैसे कर लिया आपने, कु का अर्थ कवर, कवर तो आपको बताया ही नहीं हमने, हमने तो 14 सूत्र बताए वर्णों के उपदेश में, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग का कोई लेना देना नहीं है, कहीं कवर का उल्लेख तक नहीं है कि कख गंग च छ ज ज ट, यह जो उल्लेख है यह अनादिकाल से चली आ रही जो परंपरा है हमारी 14 सूत्रों से प्राक वर्तिनी, उस परंपरा में ये कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्गों का उल्लेख है, पाणिनी सूत्रों में कहीं पांचों वर्गों का उल्लेख नहीं है। हाँ उन पांचों वर्गों के वर्णों का कहीं तृतीय वर्ण जैसे जबगड़द है, अब ये जबगड़द सूत्र जो है यह सभी वर्गों के तृतीय अक्षर को लेता है, यमगणनम सभी वर्गों के पंचम अक्षर को लेता है और झ घ ढ ध चतुर्थ अक्षरों को लेता है और ख फ छठ थ यह द्वितीय, तो यहाँ वर्गों के अंदर आपका उद्देश्य तो हुआ पर वर्गों के अनुसार जैसा होना चाहिए, अतः मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे कर लिया आपने, अभी तो हमने आपको उपदेश ही नहीं दिया, वर्ग का उल्लेख नहीं है, चवर्ग का टवर्ग का तवर्ग का ये आपने कैसे पढ़ा, तो आपको पाणिनी 14 सूत्रों से पूर्व तरह से जिस अल्फाबेटिकली क्रम से जो पढ़ाया जाता था उस समय जो वर्णमाला हुआ करती थी वही वर्णमाला वहां पर उल्लिखित है, उस पाणिनी शिक्षा से हम ये समझते हैं कि इन 14 सूत्रों से पूर्व भी कोई वर्णोपदेश हुआ था, उसका भी कोई क्रम था। अब हम पाणिनी व्याकरण के संदर्भ में पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ यमगणनम यहाँ क्रम जो है सीधा बदल दिया इन्होंने, ये शॉर्टकट उनको थोड़ा सा संक्षेप में अच्छा लगा, नहीं तो नयणनम यमगणनम की स्थान पर नयणनम होना चाहिए, क्रम तो ये कहता है नयणनम सूत्र बनना चाहिए, नयणनम पढ़ेंगे और जबगणदस को भी गजड़दवस सूत्र होना चाहिए,
ये क्रम है गजड दबस नयनम, इस तरह से पढ़ना चाहिए था। यदि तो चली आ रही 14 सूत्रों से पूर्व वाली जो वर्णमाला है उसका क्रम, तो कहने का मतलब यह है कि हमें यहां यह ध्यान में कि यहां पर जो वचन हम वर्गों के बारे में जो पता लग रहा है यह पाणिनि हुई जो अनादि सिद्ध पूर्व 14 सूत्रों से पूर्व हुए हैं उनको लेकर के यहां पर बतला रहे हैं। तो वर्णों ले लेते हैं और इधर सूत्र में उपदिष्ट जो क्या करने में बतलाने में जो सहज जो सरल मालूम पड़े उसी, इसलिए आपका प्रश्न करना बहुत अच्छा है। आप इस तरह से जिज्ञासाएं रखते हैं बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी थोड़ा सा विषय से हट करके आपकी जिज्ञासा के समाधान की उसमें खोजबीन में लग जाता हूं। खैर अब हम आगे चलते हैं। यमोने नानाम नासिका च, अब इसके बाद आगे वाला वचन है एदि तो कंठ तालु, एच्च औच्च एच्च ऐच्च इति एदैतौ। यहां पर ये जो तपरकरण किया गया है वो संदेह रहित बोध हो, इसलिए एत का मतलब ए और ऐत का मतलब ऐ। यहां तपरकरण इसलिए नहीं है कि तपरस्थ काल से सूत्र लगाना है, क्योंकि ए जो है ह्रस्व नहीं होता है, दीर्घ और पुलुत होता है, इसलिए तपरस्थ काल से को लगाने के लिए यहां तपरकरण नहीं किया गया है। फिर यहां पर तपरकरण क्यों किया गया है, ताकि संदेह रहित स्पष्ट प्रतिपत्ति हो एच्च ऐच्च इति एदि। और आगे है कंठ तालु, कंठच कंठश्च और तालुच इति कंठ तालु। यहां कंठ तालु में समाहार द्वंद्व द्वंद्व समास होने के बाद फिर यहाँ एक भाव हो जाता है। गुरुजी कंठ तालुच गुरुजी हाँ बोलिए। ए और आई की सवर्ण संज्ञा नहीं होती क्या आपस में? उच्चारण स्थान और प्रयत्न एक मिल रहे हैं तो सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। अगर गुरु जी उच्चारण स्थान एक मिल रहे हैं तो जैसे ये सूत्र है आ ई उण ऋण ऋक, आ से हम उसके सवर्णियों का भी ग्रहण कर लेते हैं और ऐसे ए से भी उसके सवर्णी का ग्रहण करना चाहिए। हाँ ठीक है, आपके प्रश्न का प्रश्नकाल दिया जाएगा। मैं समझ रहा हूँ आपके अंदर क्या प्रश्न हो रहा है। ये सब आगे हम अभी बतलाने ही वाले हैं, अभी आप पाठ चलने दीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि एत और ऐत में जो तपरकरण किया गया है वो संदेह रहित बोध हो, ए का अलग और ऐ का अलग, दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है। यद्यपि दोनों के स्थान कंठ तालु ही है, ए का स्थान भी कंठ तालु है और ऐ का स्थान भी कंठ तालु है, तो कंठ तालु होने के कारण आपका प्रश्न जो है ऐसे ही ऐ का बोध हो जाएगा, अलग से ऐ का उपदेश क्यों कर रहे हैं के बारे में हम आगे आपको बतलाने वाले हैं। चलिए समझिए, कंठ तालु की मैं बात कर रहा था, कंठश्च तालुच जब यहाँ पर समास हुआ तो द्विवचन होना चाहिए एकवचन के, तो कंठ और तालु दोनों ये जो है प्राणियंग हैं। एक सूत्र है द्वंद्वश्च प्राणी तुरी सेनांगानां, समास पढ़ेंगे तो वहां पर प्राणियंग सेनांग तुरी इनका जो समास होता है तो वहां एक उद्भाव हो जाता है और नपुंसक, इसलिए कंठ तालु में द्विवचन नहीं हुआ, पुल्लिंग नहीं हुआ, एदैतौ कंठ तालु। एदैतौ में तो आपने पुल्लिंग किया, द्विवचन किया, पर उनका जो स्थान है कंठ तालु वहां पर आपने द्विवचन नहीं किया, वहां पर आपने पुल्लिंग नहीं किया, तो इसका उत्तर मैं देना चाह रहा था। यहाँ पर कंठ तालु में जो समास हुआ है कंठश्च तालुच कंठ तालु, यहाँ पर द्वंद्व समास तो हुआ पर प्राण्यंग होने के कारण यहाँ एक उद्भाव हो जाता है, तो एक उद्भाव हो जाने के कारण
नपुंसक लिंग होने के कारण यहाँ पर कंठ तालु यही रह जाता है, एदितो कंठ तालु, ओदौतो कंठोष्ठम, यहाँ पर भी यही स्थिति है, ओदौतो कंठोष्ठम, एदितो कंठ तालु, एत और ऐत इन दोनों का स्थान कंठ तालु है। कंठ तालु का मतलब ये नहीं है कि ए का स्थान ऐ का स्थान तालु इस तरह से नहीं, प्रत्येक वर्ण में कंठ तालु माने ए भी कंठ तालु स्थान वाला है और ऐ भी कंठ तालु। उसी प्रकार उच्च औच्च इति ओदौतौ कंठोष्ठम, कंठोष्ठम का मतलब प्रत्येक वर्ण के दो दो स्थान, ओ का स्थान भी कंठोष्ठ और औ का स्थान भी कंठोष्ठ है। यहाँ पर भी कंठ और उधर ओष्ठ को प्राणिंग मान करके सांस हुआ, एक उद्भाव हुआ और नपुंसक लिंग होकर के कंठोष्ठम, इस तरह का स्वरूप शब्द स्वरूप बनता है कंठ तालु की तरह। तो ओ की ओ का स्थान भी दो है कंठ और ओष्ठ, और औ का भी स्थान दो है कंठ और ओष्ठ। तो इस तरह से आपने देखा प्रायः सभी वर्ण आ गए। एक और रह गया वकारस्य दंतोष्ठम, वकार के भी दो स्थान है, व हाइब्रिड वाला व दंत च और ओष्ठ च, इस तरह से विग्रह करके यहां पर भी प्राणिंग मान करके और द्वंद करके एक उद्भाव करके नपुंसक लिंग करके दंतोष्ठम, दंतश्च ओष्ठश्च दंतोष्ठौ तयोः समाहारः दंतोष्ठम। तो वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हो गया। जुवा मूलीयस्य जुवा मूलम, आपको नहीं मालूम जुवा मूली पर आप अभी समझ लीजिए, जुवा मूलीयस्य मूलम और अनुस्वारस्य का उच्चारण स्थान नासिका है, अनुनासिक वर्ण नहीं है, अनुनाधर्म है। अनुस्वार और अनुनासिक में थोड़ा सा यह आपको ध्यान कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान बतलाया कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, पर अनुनासिक का कोई उच्चारण स्थान नहीं होता है क्योंकि अनुनासिक कोई वर्ण ही नहीं है, अनुनासिक तो धर्म है जो वर्ण में रहता है, वर्ण अनुनासिक हो जाता है अनुनासिक हो जाता है। तो वर्ण में रहने वाला जो धर्म है वह कोई वर्ण न होने के कारण उसका स्थान प्रयत्न इत्यादि नहीं बतलाया गया। इस तरह से आपने देखा कि सभी स्थानों का सभी वर्णों का स्थान बतला दिया गया। अभी वर्णों पर ही गाड़ी चल रही है, अभी वर्णों के बारे में ही हम सारी स्थितियां बतला रहे हैं, क्योंकि वर्णों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, हर एक प्रकार से उनका ज्ञान होना जरूरी है। वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं, वर्णों के भेद क्या हैं, उनके स्थान क्या हैं, अभी सारा सारा दारोमदार वर्णों पर ही चल रही है वर्णानाम उपदेश अस्तावत। यहां आपने देखा कि सभी वर्णों का उच्चारण आपको बतला दिया गया, कुल आठ स्थान हैं और इन्हीं आठों के अंदर सारे वर्णों को समेट दिया गया, स्थानों से ही सारे वर्ण उच्चरित होते हैं। वर्णों का स्थान एक हो और स्थान एक होने के साथ प्रयत्न एक हो, प्रयत्न का मतलब क्या है तो उसको यत्नो द्विधा, यत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतरो बाह्यश्च, एक आभ्यंतर यत्न और एक बाह्य यत्न। आभ्यंतर जो प्रयत्न है, आभ्यंतर जो यत्न है उसी को प्रयत्न बोलते हैं, आद्यश्च चतुर्था। देखिए यहां पर दीक्षित जी
चार प्रकार का आभ्यंतर यत्न उतलाते हैं। लोक सिद्धांत कौमदी में वरदराजाचार्य जी ने पांच प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न बतलाए हैं। इसके पीछे सूत्र है नाझलव सूत्र। नाझलव सूत्र के कारण यहां पर आभ्यंतर प्रयत्न चार प्रकार के बतलाए जा रहे हैं। पहले यह समझो कि आभ्यंतर प्रयत्न चार प्रकार के वाले हैं कौन से, वो बाद में बताएंगे कि चार क्यों हैं और पांच क्यों हैं, इसका भेद हम बाद में बतलाएंगे। पहले आप ये कि चार प्रयत्न जो ये बतला रहे हैं वो कौन कौन से हैं। चतुर्धा, स्पृष्ट, ईसत्स्पृष्ट और समृद्ध, कुल चार ही प्रयत्न हैं। स्पृष्ट, ईसत्स्पृष्ट, विवृत, समृद्ध। स्पृष्टे सत्स्पृष्ट विवृत समृद्ध, ऐसा उन्होंने लिखा है। अभी वर्गीकरण कर लेते हैं। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। अब यहां पर भी देखिए आप, स्पर्श की बात आती है, जो स्पर्श वर्ण है उनका स्पृष्ट प्रयत्न है। अब स्पर्श वर्ण कौन से हैं? तो आगे शिक्षा वचन, इसीलिए पाणिनि शिक्षा का उपदेश अष्टाध्यायी के या पाणिनि व्याकरण पढ़ने से पहले, ये जो पाणिनि शिक्षा है यह पाणिनि के शिष्यों ने बनाई हुई है, ताकि पाणिनि जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसमें प्रवेश किया जा सके। पूर्व में पाणिनि शिक्षा का अध्ययन कराया जाता था, उसके बाद अष्टाध्यायी पढ़ाई जाया करती थी। ये व्याकरण शास्त्र का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तब आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि किस तरह से पहले क्या परंपरा थी। एक व्याकरण शास्त्र का इतिहास और पाणिनि शिक्षा, इनका भी ज्ञान होना जरूरी है, ताकि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप समझ में आ जाते हैं। तो स्पर्श स्पृष्ट प्रयत्न है। अब ये जो स्पर्श वर्ण होते हैं, स्वयं आगे कहेंगे कादेव मांसाना स्पर्शा, क से लेकर मोतक। अब ये क से लेके मोतक का जो विभाग है वहां कहीं नहीं मिलता है। क से लेके मोतक पांचों वर्ग आ जाते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प वर्ग है मो, और कवर का प्रथम अक्षर है, तो कादयः मावसानाः क आदि में है और म अंत में है। ऐसा जो वर्ण समुदाय, ऐसा वर्ण समुदाय चौथे सूत्र में तो कहीं मिलने वाला है नहीं, तो वो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सारे पांचों वर्ण, मतलब 25, पांचों वर्ग का मतलब हो गया 25 वर्ण। इन 25 वर्णों को स्पर्श कहा जाएगा और इन्हीं स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि क से लेके म तक ये जो वर्णोपदेश है वो कहाँ है। सूत्रों में, 14 सूत्रों में मत खोज लेना। खप छठ थ छठ तव के बाद और फिर कपय आता है, कपय से क से शुरू होगा, फिर म अवसान में मिलेगा ही नहीं। इसलिए ये अनादि सिद्ध जो वर्णोपदेश वर्ण वाला है वही यहां ली जाएगी। है कि पाणिनि का जो व्याकरण है वो परवर्ती है, इससे पूर्व करते थे, उस समय भी शिक्षा वचन हुआ करते थे, किस तरह अध्ययन करते थे। व्याकरण की बहुत बढ़िया परंपरा है, व्याकरण शास्त्र का तब आपको मालूम पड़ेगा। तो चलिए कुल मिलाकर के यह है वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न हो गया। एकदम अंतस्थानाम, अंतस्थ वर्ण में आने वाले वर्ण अंतस्थ कहलाते हैं। अंतस्थानाम ईषत् स्पृष्टम प्रयत्नम, अंतस्थ वर्णों का ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न है।
ये आभ्यंतर प्रयत्न में ईशस्पृष्ट नाम से इनको जाना जाता है। विवृतम ऊष्मणाम, ऊष्म वर्णों का विवृत प्रयत्न है। ऊष्म वर्ण कौन से हैं? तो कहा सल ऊष्माण, सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं, इनको ऊष्म वर्ण कहते हैं। और ऊष्म वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत है, विवृतम ऊष्मणाम। अब देखिए स्वराणाम च, यहीं पर ही बात आ जाती है। विवृत ऊष्मणाम स्वराणाम च, लघु सिद्धांत कौमुदी में ऐसा नहीं है। स्वर वर्णों का वह अलग, दीक्षित जी यहां सिद्धांत और ऊष्म दोनों को विवृत प्रयत्न से ही ले लेते हैं। ये चार भेद होते हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी में पांच भेद होते हैं, इसके बारे में चर्चा विस्तार से करेंगे। ह्रस्वस्या वर्णस्य प्रयोगे समृतम प्रक्रिया दशा, यह चर्चा हम कल करेंगे। हमने केवल इतना समझा कि किन वर्णों का कौन सा है और किन वर्णों का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न हुआ, और जिन वर्णों का स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न मिल जाए, एक हो जाए, तुल्य हो जाए, समान हो जाए, वही यहाँ पर सवर्ण संज्ञक कहलाएंगे। इस पर कल फिर चर्चा करेंगे, आज तो केवल ऐसे ही धीरे धीरे चर्चा, कई दिनों से पाठ रुका पड़ा था तो बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा न करके एक मूल रूप से सामान्य रूप से चर्चा की है। इस पर चर्चा करना अभी बाकी है, इस पर पुनः हम चर्चा करेंगे। अब ये कक्षा यहीं पर ही संपन्न होती है। अब आपका प्रश्नकाल प्रारंभ होता है, अब आप प्रश्न कर सकते हैं। गुरुजी प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न है, तो फिर वृत्ति में बोला है कि यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च, परंतु गुरुजी प्रयत्न से हम केवल आभ्यंतर को ही क्यों ग्रहण करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपका नाम क्या है बेटा? प्राची नौटियाल गुरुजी। अच्छा, तो देखो आपने ये प्रश्न बात कही, मूल में सिद्धांत को अंगीकार लिखते हैं यत्नो द्विधा आयश्च, और जब आगे जाकर के दो प्रकार के यत्न होते हैं तो प्रयत्न शब्द से केवल आभ्यंतर ही क्यों लेते हैं, ये आपका प्रश्न है। प्रयत्न शब्द से यत्न तो दोनों प्रकार के होते हैं, तो प्रयत्न शब्द से उसको आभ्यंतर वाले प्रयत्न को क्यों पकड़ा जाता है, साथ में बाह्य प्रयत्न को भी पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि मूल रूप से यत्नो द्विधा ऐसा लिखा है, यत्न से बाह्य भी यत्न ही है। तो इसमें देखो बाह्य प्रयत्न, बाह्य जो यत्न है उसका सवर्ण संज्ञा में कोई उपयोग नहीं है, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। सवर्ण संज्ञा में जो उपयोग होता है वो आभ्यंतर प्रयत्न का ही होता है, बाह्य प्रयत्न का सवर्ण संज्ञा से कोई लेना देना नहीं है। फिर बाह्य प्रयत्नों का क्यों भाई, बाह्य प्रयत्नों का फिर उल्लेख क्यों किया गया? बाह्य आगे जाकर के बाह्य प्रयत्न के बारे में असर संभार ये सारी चीजें संभार नाथ घोष ये बाह्य प्रयत्नों के बारे में बतलाते हैं, तो वो वर्णों का अत्यंत सादृश्य सामीप्य
बाह्य वर्णों का उपदेश किया जाता है। वास्तव में बाह्य प्रयत्नों का सवर्ण संज्ञा से कोई लेना देना नहीं है। अतः प्रयत्न शब्द से हम आभ्यंतर प्रयत्न ही लेते हैं, क्योंकि सूत्र में भगवान पाणिनि ने स्वयं प्रयत्न शब्द का ही प्रयोग किया है, यत्न शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, वहां पर प्रयत्न शब्द को स्वयं भगवान पाणिनि ने सूत्र में प्रयत्न शब्द का ही प्रयोग किया है, यत्न शब्द का प्रयोग नहीं किया है। और यहाँ बाह्य जो यत्न है, भाई वर्णों के उच्चारण करने में कुछ बाह्य यत्न होते हैं, कुछ आभ्यंतर यत्न होते हैं, तो जो आभ्यंतर यत्न है वही प्रयत्न शब्द से लिए जाएंगे और उन्हीं का ही सवर्ण संज्ञा में उपयोग भी होता है। बाह्य जो यत्न है जिनको प्रयत्न नहीं कहा गया, केवल यत्न कहा गया, उनका सवर्ण संज्ञा में कोई उपयोग भी नहीं है। अब शायद आपको बात सामने आई होगी कि प्रयत्न और यत्न में अंतर क्या है। यत्न जो है उसका सवर्ण संज्ञा में प्रयोग नहीं होता, जबकि प्रयत्न जो है प्रयुक्त होता है। और प्र के प्र शब्द के बल से प्रकृष्ट आभ्यंतर जो प्रयत्न लिए या आभ्यंतर प्रयत्न, इसीलिए प्र शब्द जोड़ा इसलिए है ताकि आभ्यंतर प्रयत्न जिनका प्रयोग होना है उन्हीं को लिया जाएगा। हाँ प्राची, और कोई कुछ पूछने वाला है? गुरु जी प्रणाम। हाँ, गुरु जी मैं ये कह रहा था जैसे इनके जो नाम है प्रयत्नों के, आभ्यंतर प्रयत्नों के, इनका कोई भाषा वैज्ञानिक कारण होगा और उनका नामकरण का जो यही नाम लिया जाएगा इस प्रश्न इस प्रकार से। आप साफ नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है मेरे पास, कुछ नेटवर्क की फिर पूछेंगे अपन, फिर जुड़ेंगे।